दोस्तों फाइनली KTM की न्यू जनरेशन RC सीरीज़ को आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। RC 390, RC 200 एंड RC 125 के न्यू जनरेशन को आज लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ RC 390 के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि लेटेस्ट अभी आज के दिन लॉन्च किया गया है। ओल्ड वाले में क्या कुछ आपको मिलता था, न्यू वाले में क्या कुछ मिलता था, ये भी आपको क्विक में बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये जो वीडियो है ये क्विक रिव्यू वाला वीडियो है, क्विक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्विक से जो जानकारी इसका आउट हुआ है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्स वाला, फुल डिटेल्स वाला एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। बाकी 390 के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो RC 200 और RC 125 के बारे में होने वाला है। तो पहली बात हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो इसका जो स्पाई इमेज निकल कर आ रहा था उससे अब सभी लोग परिचित हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका जो फ्रंट का लुक दिया गया था हेडलाइट का, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया था। काफ़ी लोगों को ओल्ड लुक ही पसंद आ रहा था जिसमें डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिया जाता था। तो अब ऐसा मान सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको पहले ही देख चुके होंगे, इस RC मॉडल के जो न्यू जनरेशन है उसके हेडलाइट को, बट ये फाइनली अब ऑफिशियली भी आपको यही चीज़ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसका अनऑफिशियल बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको न्यू ग्राफिक्स, न्यू हेडलाइट और सिंगल पीस LED हेडलाइट देखने को मिलेगा। बड़ा सा विंडशील्ड आपको इसमें दिया गया है और मैं बता दूं इसमें जो मिरर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता था, अब इसके मिरर पे इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। जो DRL है, उसी के अंदर ही आपको इसमें इंडिकेटर देखने को मिलेगा। DRL आप चाबी को ऑन करेंगे वो ऑन रहेगा, जलता रहेगा। जब आप इंडिकेटर को ऑन करेंगे तो DRL में ही आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। तो इसके लिए इंडिकेटर के लिए अलग से LED इंडिकेटर नहीं दिया गया है। DRL में ही आपको इंडिकेटर इंक्लूड करके इस बाइक में दिया गया है RC 390 में। काफ़ी सारे न्यू फीचर भी इसमें देखने को मिला है। सबसे पहला चेंज अगर आप ऊपर से देखते हैं, बाहर से साइड से देखते हैं, तो सबसे पहला चेंज आपको इसके फेयरिंग में देखने को मिलेगा और कलर स्कीम में देखने को मिलेगा। इसका जो फेयरिंग है उसको पहले से थोड़ा सा ब्रॉड बनाया गया, थोड़ा मस्कुलर लुक दिया गया है और काफ़ी में रियली में ये थोड़ा सा ब्रॉड भी है। और वहीं कलर के बारे में बात करें तो इसमें आपको डुअल टोन शेप कलर देखने को मिलता है और न्यू ग्राफिक्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इसमें आपको ब्लू टोन और ऑरेंज कलर का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें दो कलर लॉन्च किया गया है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड चेंज आपको क्लिप ऑन इसमें हैंडल बार देखने को मिलता है जिसे आप 10mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर वहीं सीट की बात करें तो सीट हाइट जो है वो पहले से 11mm थोड़ा सा नीचे किया गया है। पहले इसका जो सीट हाइट था वो 835mm हुआ करता था, बट अभी इसका जो सीट हाइट है वो 824mm दिया गया है। वहीं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है बट सीट हाइट को भी डाउन किया गया है। ये आप मान सकते हैं नया चेसिस पे इसको बनाया गया है, जो नया चेसिस है उसको बोल्ट ऑन रियर सब फ्रेम पे बनाया गया है। वहीं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पहले इसका 150mm ग्राउंड क्लियरेंस हुआ करता था, बट अभी न्यू वाले RC 390 में आपको 150mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वहीं न्यू जनरेशन KTM RC 390 के ड्राई वेट की बात करें तो इसमें जो पहला इसका वेट होता था वो 170kg होता था, बट अभी इसमें 15kg आपको कम लाइट वेट देखने को मिलता है, जो कि अब 155kg इसका ड्राई वेट कर दिया गया है। इसमें 960 ग्राम ब्रेक में से कम किया गया है, 150kg इसका फ्रेम में से कम किया गया है। तो ऐसे ही कुछ कुछ जगह से कम करते हुए अब इसको 155kg में बनाया गया है, जिससे ये हल्की होने के बावजूद इसका जो पिकअप और परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है, काफ़ी लाइट वेट आपको लगने वाला है, काफ़ी आप कंफर्टेबल इसको राइड कर पाएंगे। वहीं इसके गियर शिफ्टिंग में भी पहले दिक्कत आता था कि इसका गियर शिफ्टिंग हार्ड हुआ करता था, तो अब यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग में भी स्मूथनेस का फील होगा। वहीं इसके पावर के बारे में बात करें तो पावर बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है, 43.5 BHP का पावर आपको इस बाइक में मिल जाता है। वहीं जो टॉर्क है, टॉर्क में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट किया गया है, यहाँ पे 2 mm आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है। पहले इस बाइक में आपको 35 mm का टॉर्क देखने को मिलता था, बट अब इसमें 37 mm का टॉर्क देखने को मिलता है, मतलब अब आपको पिकअप थोड़ा सा ओवर स्मूथ और फास्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही कुछ और फीचर इसमें ऐड किया गया है, जैसे क्विप सीटर इसमें दिया गया है, कॉर्निंग ABS दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इसमें फीचर ऐड किए गए हैं जिससे ये न्यू जनरेशन में इसको एक परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलने वाला है। वहीं अब इसके फ्यूल टैंक को भी थोड़ा सा बड़ा किया गया है। इसमें जो करंट अभी जो नए वाले RC 390 में, उसमें आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। तो यही कुछ अपडेट आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं अब इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट का जो सस्पेंशन है और रियर का जो सस्पेंशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, 10 times तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके रिबाउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो कल जो 30 अगस्त को अपाचे की 310 लॉन्च हुई, जिसमें भी एडजस्टमेंट का सिस्टम आपको देखने को मिलता है, सेम वैसा ही इसमें भी ये चीज़ें देखने को मिला गया दिया गया।
तो ऐसा ही ये था छोटा सा क्विक वाला आपको अपडेट वाला वीडियो, और फूड डिटेल्स वाला वीडियो में कुछ टाइम बाद आपको इस वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो अभी कंपनी ने इसका प्राइस इंडिया में अनाउंस नहीं किया है, हालांकि कहीं भी अनाउंस नहीं किया है, बट इसका जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 10 से 15 हज़ार ये थोड़ा सा महंगा होने वाला है। तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो 3,00,100 रूम के अंदर ही होने वाला है, मान के चलिए कि 2,90,000 से लेकर 3,00,100 रूम होने वाला है। वहीं अगर आप अपाची से कंपेयर करें इसका अपाची RR 310 से, तो अगर उसमें आप परफॉर्मेंस किट डलवाने के बाद जैसे डायनामिक किट और रेस किट डलवाने के बाद उसका भी प्राइस 2,90,000 के अंदर ही आ जाता है। तो मतलब ये एक तगड़ा टक्कर देने वाला है दोनों इन बाइकों में, क्योंकि प्राइस एक जैसा होता है और जो फीचर है उसमें भी कुछ एक जैसा ही देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, RC वाले सीरीज़ को कुछ नए वीडियो लेके आता हूँ मैं आपको इसी चैनल पे। तब तक के लिए राइड विथ बाइक।